एक्सरसाइज 12i, गिनती के 6 सवाल हैं, 5 मिनट से ज्यादा का एक सॉल्यूशन नहीं है, 6×5=30, 30 मिनट में पूरी एक्सरसाइज हो जानी चाहिए पूरे 100% सॉल्यूशन के साथ, और बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा माइंड लगाना। देखो पहला माइंड, इसकी nth टर्म सोचना है, nth टर्म अलग से नहीं लिखना है, यही यही लिखना है, क्या होगी इसकी nth टर्म, 1/n n+, कोई दिक्कत नहीं है, 1 2 3, पहला नंबर सीक्वेंस में चल रहा है, दूसरा नंबर एक ज्यादा चल रहा है, तो माने सीक्वेंस में चलेगा, माने एन वाले में एन आ जाएगा, दूसरा नंबर एन प्लस वन आ जाएगा, ठीक है। अच्छा अब देखो, अब है माइंड, 1/1 1/2, ऐसे लिख लें क्या इसको, बताओ इसका एलसीएम लेंगे तो जी आ जाएगा ना, ठीक है, इसको लिखे 1/2 1/3 1/3 -1/4, ऐसे ही चलता जाएगा, 1/4 -1/5 +(n-1/n+1)। तो तुम लोग देख रहे हो कि ये सारे टर्म्स मिडिल वाले सब कैंसिल आउट हो जाएंगे, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म बचेगी केवल, देखो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 1/3 से 1/3 कैंसिल हो जाएगा, 1/4 से 1/4 कैंसिल हो जाएगा, -1/5 अगली वाली 1/5 से कैंसिल हो जाएगा, लास्ट में बचेगा क्या, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म, तो केवल 1/1 और 1/n+1। ओके एस एल एलसीएम ले लेंगे इसका, तो कितना आ जाएगा ये n+1 -1/n+1, फाइनल आंसर इसका कितना रह गया, n/n+1। वेरीफाई भी कर सकते हो, वेरीफाई कर सकते हो, देखो कैसे नहीं, वो तो ठीक है, तुम तो इन दोनों टर्म को प्लस करके बताओ कितना आ रहा है, 1/2 और 1/6 ऐड करो कितना आ रहा है, 1/2 और 1/6 को ऐड करेंगे, 6 एलसीएम आ जाएगा, ये 3+1 माने 4/6 मींस 2/3, तो n की जगह 2 रखो उसमें, तो 2/3 आ गया, वेरीफाई हो गया, इसका मतलब तुम्हारा आंसर 100% करेक्ट। एक्सरसाइज ध्यान से पढ़ो, उन्होंने लिखा है कि सम ऑफ n टर्म लिखा है ना, क्लियर, उन्होंने क्वेश्चन बनाना चाहिए कि फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स n इनफाइनाइट टर्म्स, तब दो आंसर आएंगे, तो देखो तक इसका सेकंड पार्ट यहां लिखेंगे सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स। अब इनफाइनाइट टर्म्स में क्या करेंगे वो समझ लो, इनफाइनाइट टर्म्स में यहीं से चालू करेंगे, सुनो जब देखो 1/1 1/n+1, इन्फिनिटी कर देता हूँ एन की जगह, अगर मैं इन्फिनिटी कर दूंगा तो 1/∞ बन जाएगा ये तो, और तुम्हें पता ही है कि अगर 1 रुपए को 1 करोड़ भिखारियों में बांटा जाए, 1 करोड़ रुपए को 1 करोड़ भिखारियों में बांटो कितना कितना बटेगा, एक एक कौन कहता है, एक करोड़ भिखारियों में 1 रुपया बांटो तो ध्रुव बांटे होंगे नहीं, कितना बैठेगा, 0, इनफिनिटी का सम दे रहे हैं 1, तो इसलिए क्वेश्चन में करेक्शन कर लो, लिख देना क्वेश्चन पूछा है फाइंड द सम ऑफ एन टर्म एंड सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म, तब दो दो आंसर आएंगे तुम्हारे। पहला नंबर चल रहा है 1 3 5 1 3 5, एपी का फॉर्मूला लगा के एन टर्म निकालोगे तो 2n-1 आ जाएगी, और ये आ जाएगी 2n+1, आ गई ऊपर तरफ, तुम लोग कहाँ गई थी, जो था पहले तो मेरी बर्थडे पार्टी में कहाँ गई थी, कहाँ गए सब इन डाउन, और ये वाल और बच्चों से क्या दुश्मनी है तुम्हारी, मैं तुम्हारे घर पहुंचा रहा हूँ, पहला सवाल निकल गया है, लेकिन पहले शांत एक्सरसाइज खत्म हो जाए, शांत सुनो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही क्वेश्चन नंबर 2 है, और इसमें 6 सवाल है, गिनती के 30 मिनट से ज्यादा भी सॉल्यूशन नहीं है, तो समझ लो कैसे करना है सवाल। देखो
क्वेश्चन नंबर टू में जिस सीरीज दी है, इस सीरीज के अकॉर्डिंग देखो इधर इधर देखते जाओ मुस्कान, ये फर्स्ट टर्म वेन सेकंड टर्म, तो इसकी एंथ टर्म कैसे बनाएंगे, देखो पहला नंबर क्या चल रहा है 1 3 5, ए बी से इसकी एंथ टर्म निकालेंगे तो 2n-1 आएगी, और 3 5 7 की एंथ टर्म निकालेंगे तो 2n+ बनाएगी आ जाएगी, ठीक है। अब आप पहले जी बताओ डॉट डॉट डॉट, ये 1/2n-1 1/2n+, देखो हर सवाल में क्या करना है तुम्हें, 1/1 × 3 को दो पार्ट में ब्रेक करना है, मगर एक काम सोचना पड़ेगा तुम्हें कि इसका एलसीएम लेके ये ही आ जाना चाहिए, लेकिन अपन यहाँ इसका एलसीएम ले रहे हैं तो ऊपर कितना ये आ रहा है क्या लौट के बताओ, 1/1 1/3 एलसीएम लेंगे तो 1 × 3 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 - 1 2/1 × 3 आ रहा है, जबकि यहाँ क्या था, तो बैलेंस करना पड़ेगा। इसको बैलेंस कैसे करेंगे, यहाँ बाहर 2 का डिवाइड दे दो तो ऊपर का जो 2 बनेगा सब जगह वो इस वाले 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना, कैलकुलेशन करेंगे तो यही फिर आ जाएगा भाई, यहाँ जब 2 बनेगा ये वाला 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा ना हर एक जगह। तो अब तुम लोग देख रहे हो पूरी सीरीज बैलेंस हो चुकी है ना, एस एन 1/2। एक चीज और देखो ध्यान से प्रियांशी, ये मिडिल टर्म सारी कैंसिल आउट हो जाएंगी, केवल फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म बचेगी, है ना, तो फर्स्ट टर्म कितनी है 1/1, लास्ट टर्म कितनी है 2n+1। इसका एलसीएम ले लो, Sn=1/2, 2n+1 एलसीएम आ जाएगा, तो ये 2n+1 - 1, तो ये सम ऑफ एन टर्म, चेतन कितना आ गया, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, n/2n+1 आ गया, है ना। क्वेश्चन में नूतन की बुक में सम ऑफ एन टर्म पूछा है, लेकिन आंसर में साथ में सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म भी पूछा है इसका सेकंड पार्ट, तो सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म में क्या किया करो, यहां से आंसर निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, देखो सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म में 1/2 1/1 और एन की जगह क्या रख देंगे, यहां मत रखना, यही जहां n डिवाइड में हो वहां n की जगह इन्फिनिटी रख देंगे, तो क्या बचेगा 1/1 - 1/∞। 1/∞ क्या होता है, 0, ध्यान रखना 2n+1 मतलब इन्फिनिटी इन्फिनिटी बनता है। समुद्र में से एक लोटा पानी निकालने तो वो तो समुद्र ही रहेगा, है ना, उसमें एक लोटा पानी और मिला दो तो भी समुद्र ही रहेगा, ठीक है। तो अच्छा तो क्या कहते हैं मुस्कान, आज तुम्हारा बर्थडे है, ऐसा करना 1 रुपए को 1 करोड़ भिखारियों में बांट के आना, कितना कितना बढ़ जाएगा, 1 रुपए को सिर्फ ना ना 1 रुपए को बांटना 1 करोड़ भिखारियों में, नहीं बटेगा ना, 0 भी नहीं आएगा, मतलब 0.00001 रुपए, इसका मतलब 0 तो आया आपने अभी कहा था 0 को सर 1 करोड़ को 1/2 1 - 0 आंसर क्या हो गया। चेतन बताना इसकी एन टर्म कितनी आई, 1/2n-1 2n+1 नहीं 3n से, अच्छा बहुत बहुत का डिफरेंस है, 4n-1 और 4n+1 नहीं प्लस ही प्लस थे, चेक कर ले, 2 रखो 4 2 8 3 11 3 रखें 4 3 12 3 15 सही, ठीक है। अब जब अच्छा जी बताओ एक मिनट, क्योंकि धीरे धीरे पूछ लें नहीं तो दिक्कत आ जाएगी, किसी को एन टर्म मेंटेन करने में दिक्कत आ रही है क्या, पहले बताओ आप लोग 3 7 देखो 3 7 11 इसकी nth टर्म बनाएंगे तो 3 + n-1 कॉमन डिफरेंस 4 का चल रहा है, तो 3 + 4n-4 तो 4n-1 बना गया क्या, नहीं आ गया, ऐसे ही अपन 7 11 15 से ap का फॉर्मूला लगा के उसकी nth टर्म बना देंगे, और जब nth टर्म बन जाए, हालांकि सुनो साइड में शो कर सकते हो इसकी nth टर्म कैसे बनेगी, ठीक है। हाँ इसको अपन ब्रेक करें 1/3 1/7 स्प्लिट कर दो इसको 1/7 1/11
वन अपॉन इलेवन वन अपॉन फिफ्टीन प्लस डॉट डॉट वन अपॉन फोर एन माइनस वन वन अपॉन फोर एन प्लस थ्री ओके और बैलेंस फोर एक्स्ट्रा बन रहा है तो वन अपॉन फोर का डिवाइड लगा दीजिए तो ये पूरी सीरीज बैलेंस हो जाएगी। चलिए तो एस एन इक्वल टू फर्स्ट टर्म और मिडिल टर्म ही लिख दिया करो हर सवाल में इसलिए ठीक है। चलो फोर एन प्लस थ्री तो इसका एलसीएम ले लो वन बाई फोर इसको चाहो तो वन दे दिया करो तो वन आप एलसीएम लेंगे इसका तो ये आ जाएगा थ्री फोर एन प्लस थ्री फोर एन प्लस थ्री माइनस का थ्री तो थ्री से थ्री कैंसिल कर दो तो सम ऑफ एन टर्म आ गया इसका एन अपॉन कितना फोर से फोर कैंसिल करने के बाद थ्री फोर एन प्लस थ्री ठीक है सम ऑफ एन टर्म आ गया। इसके बाद सम ऑफ सेकंड पार्ट इसका सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स तो इनफाइनाइट टर्म्स हम यही से बनाते हैं वन वाली इक्वेशन से एन की जगह क्या रख दो इन्फिनिटी तो वन अपॉन इन्फिनिटी क्या हो जाएगा जीरो तो ये वन अपॉन ट्वेल्व आंसर आ जाएगा कि नहीं। तो वन अपॉन फोर वन अपॉन थ्री माइनस जीरो तो एस इनफाइनाइट वन अपॉन ट्वेल्व आंसर कोई दिक्कत एस एन वन वन प्लस टू वन प्लस टू प्लस थ्री डॉट 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 इसको अगर अपन सॉल्व कर लें तो इसमें एपी के सम का फॉर्मूला लगा लें एन वाई टू एन प्लस वन क्यों अरे ये एपी बन रहा है कि नहीं एपी का एन टर्म का टोटल करेंगे तो इतना ही आएगा है ना तो एस एन इक्वल टू वन प्लस वन प्लस टू वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस डॉट डॉट प्लस टू अपॉन एन एन प्लस वन ओके ठीक है क्या ठीक है तो एस एन अब ध्यान से सुन अब हम क्या करेंगे इसमें कि एन टू तो छोड़ दो एन और एन प्लस वन को क्या लिख सकते हैं लास्ट में यहीं से चालू करें टू तो यहां ऐसे कॉमन कर लो वन अपॉन एन और वन अपॉन एन प्लस वन ऐसे लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं ना तो ऐसे ही मैं हर टर्म को लिख सकता हूं हर टर्म को देखो वन को मैंने एन की जगह उसमें वन रख दो तो वन अपॉन वन और वन अपॉन सॉल्व करेंगे तो यही आ जाएगा आ जाएगा ऐसे ही मैं इसको लिख रहा हूं टू वन अपॉन वन और वन अपॉन टू सॉल्व करो इसको देखो जी आ रहा है क्या इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा एलसीएम नहीं एक मिनट वन अपॉन वन गड़बड़ कर दिया एक बार टू रखेंगे तो वन अपॉन थ्री हो जाएगा ये कितना हो जाएगा एन की जगह टू रखेंगे तो ये एस ये मिस्टेक कर दिया ठीक है चलो और इसका एलसीएम लेंगे तो देखो थ्री माइनस टू 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 से टू कट गया वही वन बाई थ्री बचेगा ऐसे ही इसको लिख रहा हूं मैं इसमें क्या करेंगे टू या थ्री रखेंगे वन अपॉन थ्री और वन अपॉन प्लस टू क्यों ठीक है क्या है इसके बाद टू कॉमन कर लू तो वन अपॉन वन वन अपॉन टू वन अपॉन टू वन अपॉन थ्री माइनस वन अपॉन फोर प्लस डॉट वन अपॉन वन वन अपॉन टू वन अपॉन टू वन अपॉन थ्री टू कॉमन कर लिया है और प्लस का वन अपॉन एन प्लस क्यों क्या बचेगा देखो ये और ये कैंसिल हो गया ये और ये कैंसिल हो गया मिडिल टर्म सारी कैंसिल आउट हो जाएगी तो बचेगा क्या वन अपॉन वन फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म ही बचेगी ठीक है इसका एलसीएम ले लें तो मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूं तो क्योंकि जगह खत्म हो चुकी है देखो इसका आंसर
कौन बोल सकता है डायरेक्ट में? पहला आंसर सम ऑफ एन टर्म, एलसीएम ले लो, एन प्लस वन एन अपॉन एन प्लस वन और टू में है ना, तो टू एन और एन ये आ जाएगा क्यों, और इसमें एन की जगह इन्फिनिटी रख देंगे तो ओनली टू हो जाएगा, ठीक है यही है ना आंसर जी? थोड़ा पांच दिन बाद ना है सब बात। देखो ए अब नेक्स्ट बंद, नेक्स्ट नेक्स्ट चुपचाप और बैठ जाओ, ठीक है? देखो अरे अरे तो एन टर्म्स है, एन टर्म्स चाहिए नहीं बोलो, एन टर्म्स है तो एन टर्म्स उसके हिसाब से सिमेट्रिकल बनाते जाओ, सिमेट्रिकली बनती जाएंगी, वन अपॉन वन आ रहा, देखो वन अपॉन वन आ रहा है, फिर वन अपॉन टू आ रहा है, वन अपॉन टू का स्क्वायर आ रहा है, वन अपॉन टू क्यूब आएगा, वन अपॉन टू की बार फोर भी आएगा, मतलब डॉट डॉट लगाए एन टर्म्स लिखना है, ठीक है? अब सुनो इधर एस एन वन प्लस वन प्लस वन बाई टू, अब देखो डॉट डॉट का मतलब ये होता है कि जैसे मैं नहीं लिख रहा इसे है ना भाई, नहीं लिख रहे डॉट डॉट लगा दिया, ठीक है? हाँ अब इधर ए हर्ष ये देखोगे तो ये जीपी है कि नहीं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की एन टर्म का सम का फॉर्मूला क्या होता है? ए वन माइनस आर की पावर एन अपॉन वन माइनस आर होता है कि नहीं, ठीक है? तो चलो अभी स्टेप में लिख दीजिए, वन वन प्लस वन अपॉन टू प्लस डॉट, क्यों ए कितना रखेंगे? वन वन माइनस कॉमन रेशियो कितना रखेंगे? और वन माइनस वन अपॉन टू, फर्स्ट टर्म वन चल रही है, कॉमन रेशियो वन अपॉन टू का ही चल रहा है, और तुम देख रहे हो कि पहले में एक टर्म है, दूसरे में दो टर्म है, तीसरे में तीन टर्म है, तो एन वाले में कितनी टर्म्स होंगी? एन टर्म्स होंगी है ना, तो ये अपनी एंथ टर्म निकल के आ रही है बाहर, वन वन प्लस वन बाई टू प्लस डॉट डॉट, इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो टू वन माइनस वन अपॉन टू की पावर एन आएगी, आएगी कि नहीं बोलो? वन में से वन बाई टू जाएगा तो वन बाई टू बचेगा, वन बाई टू को मल्टीप्लाई में ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा? टू हो जाएगा, ठीक है? अब इसके अकॉर्डिंग मैं इसका अरेंजमेंट कर रहा हूँ, देखो ध्यान से देखना ऐसे फर्स्ट टर्म का, अब ध्यान से देखना टू तो बाहर रह ही रहेगा हर एक टर्म में, वन एन की जगह क्या रख दो? वन, तो पहले जो बताओ अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो वन आ जाएगा क्या? वन में से वन बाई टू माइनस करेंगे तो वन बाई टू आएगा, वन बाई टू से टू कैंसिल होगा तो वन रह जाएगा, ठीक है? चलो इसके बाद टू वन माइनस टू का स्क्वायर, अच्छा इसको सॉल्व करें तो जी आ जाएगा क्या? देखना इसको सॉल्व करेंगे तो वन माइनस वन बाई फोर है ना, चलो इधर सॉल्व करके बता देते हैं, टू वन माइनस वन बाई फोर, तो एलसीएम लेंगे तो ये थ्री बाई फोर है ना, ये कैंसिल हो गया तो कितना बच रहा है? और इसको भी सॉल्व करेंगे सेकंड टर्म को तो थ्री बाई टू जाएगा ना, वन प्लस वन बाई टू माने एक और आधा डेढ़ है ना, थ्री बाई टू, ओके बस अब लिख दो डॉट डॉट, वन माइनस वन अपॉन टू की पावर एन, ठीक है? सब जगह से टू कॉमन निकाल लो तो वन माइनस वन बाई टू, फिर यहां से वन माइनस वन बाई टू जी कितना आएगा? वन माइनस वन बाई टू का स्क्वायर, फिर वन माइनस वन बाई टू, वन माइनस वन बाई टू का स्क्वायर, वन माइनस वन बाई टू की पावर थ्री, वन माइनस टू की पावर फोर प्लस डॉट डॉट प्लस इसकी एंथ टर्म लिखो, वन माइनस वन अपॉन टू की पावर एन,
इतना नोट कर लो, रफ करना पड़ेगा, ऊपर फिर लिखना पड़ेगा। टू, ए इधर देखो, वन प्लस वन प्लस वन प्लस वन एन टाइम्स, एन टर्म में भाई, हर एक टर्म में वन चल रहा है तो वन कितनी बार आएगा, एन बार आएगा, ठीक है। और बाकी का जो अलग कर दो, वन बाई टू माइनस के लिए, वन बाई टू, वन बाई टू का स्क्वायर, वन बाई टू की पावर थ्री डॉट डॉट, वन बाई टू की पावर कितना, एन, ये ठीक है। माइनस वन बाई टू, माइनस वन बाई टू का स्क्वायर, माइनस वन बाई टू का क्यू, जब भी एन टाइम्स ही चलेगा, एस एन टू, एक को दो बार जोड़े तो दो लिखेंगे, तीन बार जोड़े तो तीन लिखेंगे, चार बार जोड़े तो चार, एन बार लिखेंगे, वन को एन बार प्लस करेंगे तो एन। इसमें जीपी का फॉर्मूला फिर लगा दो, जीपी के एन टर्म का, तो फर्स्ट टर्म क्या है इसकी, वन अपॉन टू है ना, वन माइनस वन बाई टू की पावर एन, और वन माइनस वन बाई टू, जीपी के सम का फॉर्मूला फिर लगा दिया, जीपी के सम का फॉर्मूला एस एन इक्वल टू ए वन माइनस आर की पावर एन अपॉन वन माइनस आर, ठीक है, ठीक है क्या, जल्दी बताओ। अब उसके बाद इधर वन बाई टू से हंसारे का, वन बाई टू से वन माइनस वन बाई टू को कैंसिल आउट करते हैं क्या, वन माइनस वन बाई टू भी वन बाई टू होगा ना, चल ठीक है, ये और ये कैंसिल हो गया, एस एन इक्वल टू टू एन, और जी कितना बच रहा है, वन प्लस वन बाई टू की पावर एन, ठीक है, बस अब तो छोड़ो आंसर इसका, हाँ इसका आंसर यही चुके वन बताने चले आए, ऊपर वन टू लिखा है ना आपने, वन है और टू की पावर एन माइनस वन है, सब नीचे ले गए, टू की एस एन इक्वल टू टू एन माइनस टू, अगर मैं इसको नीचे ले आऊंगा तो जो टू की पावर एन माइनस वन हो जाएगा, वो तो आंसर यहाँ लिखो, यहाँ कैसे